ये देखिए हमारा चिकन कितना प्रिटी और यम्मी लग रहा है। हमारी ग्रिल भी देखिए कितने अच्छे से हो रही है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आता है हमारा फाइनल लुक ऑफ सैंडविच, कितना परफेक्ट बना है। अगर आप ऐसे बनाए तो आगे जाकर देखिए। हमारे घर में मेहमान आ गए, अभी हम बनाने लगे। तो हमने लिया है ये ब्रेस्ट पार्ट लिया है हमने 1/2 kg, आपको जितना लेना आप ले सकते हैं। हमने लिया है कोरिएंडर पाउडर, सॉरी गरम मसाला 1 teaspoon डालेंगे इसमें गरम मसाला। इसमें डाल लीजिए कोरिएंडर पाउडर 1 teaspoon, 1 teaspoon जीरा पाउडर, और ये हमने लिया है रेड चिली, कसूरी मेथी 1 teaspoon, ये अकॉर्डिंग टू टेस्ट रेड चिली लिया है, कसूरी मेथी लिया है हमने 1 teaspoon, और अकॉर्डिंग टू टेस्ट सॉल्ट। अब हम इसमें डालेंगे चाट मसाला 1 teaspoon, और अब हम डालेंगे 1 cup कर्ड, और अब हम डालेंगे 1 lemon। हम इसको इंस्टेंट बना रहे तो हम अभी इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और हम इसको विदाउट मतलब ये खाली मैरिनेट कर रहे हैं, फिर इसको हम फ्राई कर देंगे, क्योंकि गाइस अभी हमको जल्दी भी करना है। अगर आपको मैरिनेट करके रखना है तो आप रख भी सकते हैं। गाइस हमारा ऑयल गर्म हो गया, अब हम इसमें डाल रहे हैं। हम लोग एक साइड इसको 10 minutes कुक करेंगे, फिर जब हम लोग इसको पलट देंगे फिर हम लोग इसको 10 minutes कुक करेंगे। गाइस देखिए हमारे चिकन दोनों साइड पक चुका है, अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। अब देख सकते हैं इसका कलर कितना ब्यूटीफुल। गाइस हम इसको इस वजह से स्मोक दे रहे कि इसका अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। इसको टर्न कर रहे हैं और इसका इतना अच्छा फ्लेवर आ गया, उसकी स्मेल इतनी अच्छी हो गई है ना, ये हमने इसको टर्न कर दिया, इसका कलर बहुत ब्यूटीफुल है, आप देख ही सकते हैं। और इसका जो धुआं है बहुत हम लोग के पूरे घर में स्प्रेड हो गया है। हमारा जो है वो रेडी हो गया है। अब हमने यहाँ पर थोड़े वेजिटेबल ले लिए, जैसे बीट रूट, और हमने ले लिया थोड़ा ककड़ी ले लिया, प्याज को हमने शेड कर दिया, और अब हमने इसमें लिया है रेड चिली सॉस, मेयोनीज, इसका सॉस बनाने के लिए मेयोनीज लिया है, और सम सॉस टमाटो केचप। तो अब हम इसमें डालेंगे, गाइस अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा रेड चिली सॉस, हम थोड़ा 1 teaspoon डालेंगे क्योंकि इसमें ऑलरेडी रेड चिली पड़ चुकी है। चलिए अब हम इसको मिक्स करते हैं। देखिए हमने लिया है वेजीज, हमने इसमें लिया था बीटरूट और ककड़ी, और हमने लिया था प्याज जिसको हमने चॉप कर लिया है। अब हम इसको डाल रहे हैं अंदर, हम इसमें वेजीज डालेंगे और हम इसे मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें दूसरा साइड डालेंगे, अभी ये फिनिश नहीं हुआ है गाइस। अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से बीटरूट, अब हम इसमें डालेंगे ककड़ी, डालेंगे हम इस पर, और अब हम इसमें डालेंगे प्याज, अब हम चीज डालेंगे, चीज स्प्रेड करेंगे इससे। लेयर ऑफ सैंडविच, अब हम इसे ग्रिलर में ग्रिल कर रहे हैं। गाइस यहाँ पर हमने यहाँ पर घी लगा दिया है, और यहाँ पर हमारे सारे सैंडविचेस हैं, अब हम इसको बंद कर रहे हैं। गाइस अब हम इसको कट कर रहे हैं, एंड आवर यम्मी प्लेटर इज रेडी नाउ। गाइस अब हमारे देखिए सैंडविच रेडी हो चुका है, और अब हम इसको खाने जा रहे हैं। Thank you.
भाई तो बहुत ज्यादा टेस्टी है। इसके अंदर जो तंदूरी की पूरी टेस्ट आ रहा है गाइस, तो स्मोकी का टेस्ट है गाइस। अगर आपको मेरा ये रेसिपी अच्छी लगती तो प्लीज को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को 7000 लाइक तक जरूर पहुंचा देना और बेल आइकन याद दबाना कि मैं जब जब भी कोई मेरा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। बाय, अल्लाह हाफिज़।